तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों के पास कोई इंतज़ामिया के हवाले से हो या गवर्नमेंट से या कोई वज़ीराना जम साहब से अभी हम लोगों ने मतलब बात की है, वो बोल रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पर या सेक्रेटरी या किसी और को भेज दिया जाए ताकि हमारे मसले हल करवा दिया जाए। हम कोई आम नहीं है, ना गाँव से ना किसी और से, हम तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो नाम दिया हुआ है एग्रीकल्चर को, और आज तक हम लोगों ने ना बिजली देखा है और यहाँ पर अभी सेमिस्टर सिस्टम है हम लोगों का, मैं खुद 6 सेमिस्टर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ना बिजली 8 घंटे होती है, बाकी घंटे नहीं होते, वो भी कभी कभी हो जाती है। इसी वजह से हमारी ये मुतालबात है, लैपटॉप है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दे दिया, ब्यूटम्स में दे दिया, क्यों हमारे कॉलेज में इतना हक हम लोगों का नहीं बनता है कि हम लोगों को भी लैपटॉप दिया जाए। बाकी यूनिवर्सिटी में जाम साहब या गवर्नर या कोई और आ जाता है डिग्री, इतने प्रोफेशनल डिग्री की तरह, हमारी भी प्रोफेशनल डिग्री है एग्रीकल्चर की, लेकिन हम लोगों को खिड़की से दे दिया जाता है, क्योंकि हमारे इस वजह से हम तंजीम उठ जाते हैं कि फिर बोलते हैं कि तंजीम यहाँ पर नारवा करे या तंजीम गलत करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तंजीम अपने हक के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा। उनसे हम लोगों ने बात करी, वो बोल रहे हैं कि जाओ सेक्रेटरी जाओ, अपने वजीर से बात करो या अपने वजीर आला से बात करो, वो खालिस हमें ये दिलासा दे देते हैं, और ख़ुद के लिए चाहे वो बस हो या जो भी हो खुद के लिए मतलब वो कर रहे, वो बोल रहे कि ये हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों को निकाल दिया जाता है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कोई आ ना जाए हम लोगों के मसले का, या कोई दिन बताए कि हम लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, हम तब तक इधर ही खड़े रहेंगे। प्रोटेस्ट इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे कोई छोटे मसले नहीं है, बहुत बड़े मसले हैं। अभी तक जो है हमें बिजली से ही प्राइम नहीं की गई है, किसी को पता भी नहीं है कि ये इधर कोई जरिए कॉलेज है, जिनको अभी तक ना हमसे जो है कॉलेज के पुकारा जाता है, हालांकि जिसमें जिस जगह में जिस इदारे में MSc के क्लासेस होते हैं वो कॉलेज नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी होता है। अभी तक वो कॉलेज के नाम से याद हो रहा है। हॉस्टल में हमारा बहुत बड़ा तादाद है, बहुत से स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, 11 बजे के बाद लाइट चली जाती है, यानी टोटल हिसाब लगा कि 8 घंटे जो है हमें बिजली मुहैया है, बाकी नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि हमें जो है 24 घंटे बिजली फराहम की जाए, जिस तरह दूसरे इदारों में। हम स्टूडेंट हैं, हम इसी वजह से तालीम हासिल कर रहे हैं कि हमें शऊर आ जाए। शऊर के लिए अपना हक मांगना एक बहुत बड़ा शऊर है। इसी वजह से ये जो इत्तेजाज ये लड़के कर रहे हैं, ये स्टूडेंट निकले हुए, यही हमारा हक है, इसी पे हम डटे हुए हैं, ना किसी के, यानी जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे हम खड़े हैं अपने मौके पर, ना बदलेगा ना कुछ होगा। स्कॉलरशिप की बात, ये स्कॉलरशिप अभी तक यानी 1500 हमें दे रहे हैं, 1500, हालांकि ये बहुत बड़ा इदारा है, ये नहीं है सिर्फ लोगों ने इसको जो है नज़रअंदाज किया हुआ है। स्कॉलरशिप 6000 की बात चल रही थी कि महीने का 6000 हर जगह मिल रहा है, हमें भी मिल जाए, कौन से हम किसी गांव में पढ़ रहे हैं, किसी और जगह पढ़ रहे हैं, किसी और मुल्क में पढ़ रहे हैं यार। इसी वजह से हमारा कॉलेज इसको इन लोगों ने इतना पसमानदा बनाया हुआ है कि ना इसमें लाइट है ना वाईफाई है। हमारी क्लासेस में प्रोजेक्टर का सिस्टम अभी तक नहीं है, प्रोजेक्टर का सिस्टम, क्योंकि हमारा जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है ना हमारे कॉलेज का, उसमें क्विज भी होता है, असाइनमेंट भी होता है, तो रात को बंदा किस चीज़ पे याद करे। इसी वजह से हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, लाइट के जो बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला वो लाइट और स्कॉलरशिप है।
Thank you.